अगली खबर की रुख करते हैं, जिसमें आप सभी को बताते हैं कि भारत जोड़ो ग्राम पद यात्रा के अंदर गांधी की झलक दिखती हुई नजर आई है, जिसमें सत्याग्रह की बात सामने आती हुई नजर आई है। तो दिखाते हैं इसी पर हमारी रिपोर्ट। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से सहायक प्रोफेसर सीबी यादव के संयोजन में जयपुर जिले में 7 दिवसीय भारत जोड़ो ग्राम यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का आज जयपुर जिले के बांसा ग्राम में समापन हुआ है। यह यात्रा चोमू नगरपालिका से प्रारंभ होकर के जयपुर जिले में कुल 125 किलोमीटर की रही। इस पदयात्रा में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के साधनों की स्पष्ट झलक देखने को मिली। भारत जोड़ो ग्राम यात्रा के संयोजक प्रोफेसर सीबी यादव व अन्य कई पद यात्रियों द्वारा नंगे पांव पदयात्रा करना, प्रत्येक ग्राम में सर्वोदय चौपालों का आयोजन करना, जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में शांति, सद्भाव, अहिंसा व प्रेम का संदेश देना, प्रोजेक्टर पर पीपीटी प्रेजेंटेशन द्वारा रात्रि चौपाल में खुले आसमान के नीचे भारत के संघर्ष की कहानियों को समझाना, रात्रि विश्राम के उपरांत जय जगत गाने के साथ प्रातःकालीन भगवान प्रभात का निकाला जाना, ग्राम चौपालों में पदयात्रियों द्वारा चरखे से सूट काटना एवं यात्रियों द्वारा मार्ग में जगह जगह श्रमदान व अन्य रचनात्मक कार्यों को करना आदि ऐसे तरीके अपनाए गए जो गांधी के सत्याग्रह मार्ग के अनुसरण करते हुए प्रतीत थे। पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा बुलंद रहा। इस पदयात्रा का आमजन द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए एवं जलपान कार्यक्रम में चोमू के विधायक भगवान सहाय सैनी, पीसीसी मुख्यालय प्रभारी ललित पोरवाल, पीसीसी प्रशिक्षण प्रभारी जसवंत गुर्जर, चोमू नगरपालिका चेयरमैन विष्णु सैनी, प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रुक्ष्मणी कुमारी, डॉक्टर हनुमान बराला, हनुमान बोरा, डॉक्टर देशराज गढ़वाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।